हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 1 द कोल्ड वर्ल्ड ईरा के बारे में बात करेंगे। आज हम चैप्टर, ये पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर है। हम सबसे पहले कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये आपकी बुक का नेम है, इसका नाम है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है? स्ट्रगल फॉर पावर। वर्ल्ड का मीनिंग हम सबको पता है। कंटेम्प्रेरी मीन्स मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड मतलब आफ्टर 1991 के बाद का पीरियड। 1991 के बाद का पीरियड ही क्यों हमने इसे कंटेम्प्रेरी लिया? क्योंकि 1991 में ऐसा क्या हुआ था कि हम इस पीरियड को ही, 1991 को ही के बाद के पीरियड को ही मॉडर्न पीरियड के, क्योंकि 1991 में क्या हुआ था, जो कोल्ड वॉर थी वो ख़त्म हो गई थी। 1991 में क्या हो गया था? कोल्ड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गई थी। कोल्ड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद का जो पीरियड है उसे हम मॉडर्न पीरियड कहते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम, क्योंकि चैप्टर का नाम है द कोल्ड वॉर ईरा, ठीक है, तो इस चैप्टर में हम 1991 से पहले जो भी हो रहा था वर्ल्ड में, हम उसका इस चैप्टर के अंदर रिव्यू ले रहे हैं कि इस चैप्टर में उस समय पहले क्या हो रहा था। इस फर्स्ट चैप्टर उस पर बेस्ड ऑन है। तो उससे पहले क्या हो रहा था, 1991 से पहले क्या था? कोल्ड वर्ल्ड वॉर हो रही थी। कोल्ड वर्ल्ड वॉर को समझने के लिए पहले हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर को समझना होगा, क्योंकि चैप्टर इस पर बेस्ड ऑन है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुई? 1939 से 1945 तक रही। ये किन किन के बीच में? एक तरफ था एक्सिस पावर और दूसरी तरफ था अलाइड पावर। एक्सिस पावर कौन कौन से थे? जर्मनी, इटली और जापान। और भी कंट्रीज थी पर मेन कंट्रीज ये तीन ही थी। वहीं अलाइड पावर कौन सी थी? जो यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन एंड फ्रांस, ये चारों थी। और भी रेस्ट ऑफ देम थी, यूरोप्स की और भी बहुत सारी कंट्रीज थी जो इनका इनके साथ थी, लेकिन ये ही मेन कंट्रीज थी। यहाँ पे थ्री एक्सिस पावर में थ्री मेन कंट्रीज थी और अलाइड में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का रिजल्ट हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर ये दोनों का, यहाँ पे एक्सिस पावर हार गए थे और अलाइड पावर जीत गए थे। अलाइड पावर के जीतने के बाद यहाँ पे दो पावर निकल के आई। इसके बाद क्या हुआ, जब ये अलाइड पावर जीत गए तो हमने बनाया यूएस, यूएसएसआर, इसे सोवियत यूनियन भी कहा जाता है। ये दोनों क्या बनकर आए? ये दोनों सुपर पावर कंट्रीज निकल कर आई। ये दोनों सुपर पावर कंट्रीज के तौर पर वर्ल्ड में आई, सामने आई। और इन दोनों ने कैसी सिचुएशन खड़ी की, और इन दोनों ने 1945 की बात कैसी सिचुएशन खड़ी कर दी? कोल्ड वर्ल्ड वॉर की। यानी कोल्ड वर्ल्ड वॉर कब से स्टार्ट हो गया था? 1945 से स्टार्ट होकर 1991 तक ये सिचुएशन बनी रही वर्ल्ड के अंदर कोल्ड वर्ल्ड वॉर की। इसके लिए हम इसको समझते हैं, एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इज इक्वल टू बिगनिंग ऑफ कोल्ड वॉर। यानी जहाँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ उसके ही बराबर है बिगनिंग ऑफ कोल्ड वर्ल्ड वॉर, उसी की शुरुआत है कोल्ड वॉर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर में आता है, 1 मार्क्स में आता है। ये आपको अच्छे से समझने की ज़रूरत है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें ये भी क्वेश्चन आता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुई, ये भी 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कंटेम्प्रेरी को मॉडर्न वर्ल्ड कब से स्टार्ट होता है, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पेपर में आता है, तो आपके लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इस पेज में मैंने आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चंस बताए हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम यहाँ आ जाते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो कोल्ड वॉर ऑर्गेन, कोल्ड वॉर हुई कैसे, स्टार्ट कैसे हुई? व्हेन यूएसए ड्रॉप एटॉमिक बम्स ऑन द 2 जापानीज सिटीज, कौन सी 2 सिटीज हैं? हिरोशिमा और नागासाकी, इन द अगस्त 1945, फोर्सिंग वॉर टू सरेंडर। जब यूएसए ने बम गिराए थे, एटॉमिक बम गिराए थे जापानीज सिटीज़ के ऊपर, जो हिरोशिमा नागासाकी थी 1945 में, फोर्स की ज़बरदस्ती कि सरेंडर करने के लिए। पर कहानी में ये था कि जापान ने तो पहले ही सरेंडर कर दिया था, 1945 में जापान ने सरेंडर कर दिया था, लेकिन सिर्फ यूएसए को अपनी पावर दिखाने के लिए वर्ल्ड को उसने ज़बरदस्ती हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिराया। वो ऑलरेडी इससे पहले सरेंडर कर चुका था, लेकिन वो पूरे वर्ल्ड में अपने आप को एक सुपर पावर के तौर पे दिखाने के लिए और यूएसएसआर को ये बताने के लिए कि वो एक सुपर पावर है, उसके लिए उसने हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम गिराए। तो ये इस चीज़ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि ये हिरोशिमा और नागासाकी में सिर्फ सरेंडर करने के लिए ही नहीं किया था, अपनी पावर को दिखाने के लिए भी बम गिराए। तो कॉज ऑफ ऑर्गन्स, ऑर्गन्स के कॉज क्या थे, आप पढ़ते हैं हम। आइडियोलॉजिकल डिवाइडेड, ये आइडियोलॉजिकली डिवाइड हुआ। यूएस, एक तरफ यूएस की आइडियोलॉजी थी और एक जगह यूएसएसआर की थी। यूएस बिलीव करता था डेमोक्रेसी में और कैपिटलिज्म में, वहीं यूएसएसआर बिलीव करता था सोशलिज्म में और कम्युनिज्म में। इन दोनों के अपने अपने आइडियोलॉजी थी, ये दोनों ही एक अलग अलग आइडियोलॉजी में बिलीव करते थे। इसीलिए जो यूरोप था उस समय, जो वर्ल्ड था, वो 2 आइडियोलॉजी में डिवाइड हो गया, 2 सुपर पावर की आइडियोलॉजी के अंदर डिवाइड हो गया। एक तरफ यूएस की आइडियोलॉजी थी और एक तरफ यूएसएसआर की आइडियोलॉजी थी। सेकंड है टर्म एंड डॉक्ट्रिन,
जिटरमिन कौन थे? ये उस समय अमेरिका के एक सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे 1945 में जो जर्मन थे वो एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उन्होंने एक पॉलिसी निकाली, तो अमेरिकन पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म इंटीमेटेड बाय यूएस प्रेसिडेंट, अमेरिका ने एक पॉलिसीज निकाली कंटेनमेंट को करने के लिए, ठीक है, ऑफ कम्युनिज्म इंटीमेट बाय द यूएस प्रेसिडेंट, यूएस प्रेसिडेंट ने निकाली थी कम्युनिज्म को रोकने के लिए, इन्होंने कहा कि कम्युनिज्म रुकना चाहिए, अमेरिका ने एक ऐसी पॉलिसीज निकाली कि वो कम्युनिज्म को रोकना चाहते थे, कंट्रोल करना चाहते थे, और उस पॉलिसी का ही नाम ड्रमंड डॉक्ट्रिन का नाम रखा गया। स्टार्ट कब हुई थी? 1945 में हुई। उसके बाद थर्ड नंबर पे कॉज है मार्शल प्लान। मार्शल प्लान क्या है? ये भी एक जो मार्शल थे ये भी एक वहाँ के सेक्रेटरीट थे, अमेरिकन के सेक्रेटरीट थे, उन्हीं के नाम पे ये था क्योंकि उन्होंने ये प्लान लॉन्च किया था, इंट्रोड्यूस किया था उस समय अमेरिका में, इसीलिए इस प्लान का नाम भी मार्शल प्लान रखा गया। अ प्लान टू गिव मिलियंस ऑफ डॉलर ऑफ एड टू यूरोप सो दैट इट कुड रिकवर फ्रॉम द सेटरिंग एफर्ट्स ऑफ द वॉर। इस प्लान के अंदर में क्या था कि इसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स यूरोप को दिए गए, यूरोप्स की कंट्रीज को दिए गए, क्योंकि उस समय जो वॉर की वजह से जो भी वहाँ पे इफेक्ट पड़ा था, जो भी वहाँ की इकनॉमी डाउन हुई थी या जो भी उसकी वजह से डिजास्टर हुए थे, उसे रिकवर करने के लिए, एक तरीके से उन्हें अपने अंदर मिलाने के लिए, सिंपथी देने के लिए एक प्लान बनाया गया जिसे मार्शल प्लान का नाम दिया गया। इसके बाद है फोर्थ नंबर पे है फॉर्मेशन ऑफ मिलिट्री ब्लॉक्स। फॉर्मेशन की गई मिलिट्री ब्लॉक्स की। After the Second World War, the United Nation Organization had been formed. जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1945 में, वैसे ही UNO को बनाया गया, उसे फॉर्म किया गया। UNO तो आपको पता है, United Nation Organization को फॉर्म किया गया टू प्रिवेंट वर्ल्ड पीस। अब किस चीज़ के लिए? वर्ल्ड में पीस को मेंटेन करने का काम इसे दिया गया, ताकि कोई भी कंट्री दोबारा से, जैसे US ने जापान के ऊपर बम गिराया, ऐसे कभी कोई दोबारा किसी के ऊपर बम ना गिराए, कभी भी कोई अपनी पावर को दिखाने के लिए, वर्ल्ड में अपनी पावर को, किसी भी पावर को दिखाने के लिए, वो किसी भी अदर कंट्री को इस तरीके से उसके ऊपर ऐसे बम नहीं गिराए। इसके लिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी। लेकिन टेंशन बिटवीन द टू सुपर पावर्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ मिलिट्री अलायंसेज बाय द टू ब्लॉक्स। लेकिन टेंशन के बीच में इन दोनों सुपर पावर्स ने एक मिलिट्री अलायंसेज बनाई, इन्होंने दोनों ने ब्लॉक्स बनाए, दो ब्लॉक्स बनाए इन दोनों ने, मिलिट्री अलायंसेज, अपने एक मिलिट्री अलायंसेज बनाए, अपना कैप्चरिंग बनाई, और इन्होंने दो ब्लॉक बनाए। USA ने जो ब्लॉक बनाया उसे वेस्टर्न अलायंसेज बोलते हैं, जिसे नाटो का नाम दिया गया। इसमें वेस्ट, हम कह सकते हैं वेस्ट यूरोप की ज़्यादा कंट्रीज इसमें थी, जो USA के साथ थी, जो कैपिटलिज्म में बिलीव करती थी, जो कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी में बिलीव करती थी, जिसका नाम नाटो दिया गया। नाटो का मीनिंग है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये नॉर्थ अटलांटिक की तरफ है, क्योंकि ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज उधर की तरफ है, इसीलिए इसका नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन दिया गया। इसमें पहले स्टार्टिंग में 12 स्टेट्स थे। ये अप्रैल 1949 को स्टार्ट किया गया, ठीक है। वहीं USSR ने ईस्टर्न अलायंसेज बनाई, जो वेस्टर्न कंट्रीज ने इसमें पार्ट लिया। इसमें जितनी भी ईस्टर्न कंट्रीज थी, ईस्टर्न यूरोप्स की थी, इनमें सिर्फ इसमें वेस्टर्न और इसमें सिर्फ ईस्टर्न कंट्रीज ने ही पार्ट नहीं लिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ यूरोप ही इसमें इसका पार्ट नहीं था, इसने ऑल ओवर वर्ल्ड में इस पूरी तरह से फैला रखा था, अपना कंट्रोल था। ये पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं कि ये दोनों ही पूरे वर्ल्ड को दो ब्लॉक्स में डिवाइड कर रहे थे। लेकिन बेसिकली क्योंकि हम इसमें USA और USSR में है, तो ज़्यादातर इसका इम्पैक्ट जो पड़ा इनका वो यूरोप में पड़ा। इसलिए मोस्टली ज़्यादा जो हम दिखा रहे हैं वेस्टर्न अलायंसेस, वो यूरोपियन कंट्री जो वेस्ट की थी वो नाटो में बनी, और जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी वो वारसा में आई। वारसा, USSR ने जो अपने अलायंसेस का नाम था उसे वारसा नाम दिया गया। इसे 1955 में बनाया गया। इसका एक ही एम था, टू एनकाउंटर नाटोज फोर्स इन यूरोप, कि वो नाटो के फोर्स को यूरोप से हटा देना चाहते थे। इन्होंने और कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाया। लेकिन अब USA ने साउथ ईस्ट एशिया पे भी वो कैप्चर करना चाहता था, उसने एशिया के अंदर भी दो ऑर्गेनाइजेशन बनाए। पहले एक बनाया साउथ ईस्ट एशिया, जो साउथ ईस्ट की एशिया की जितनी कंट्रीज है उन्होंने उसको हेल्प करी, सपोर्ट करा, और वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई अपने फेवर के लिए। वैसे उसने सेंटो भी बनाई, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें उसने सेंट्रल वाली जो जितनी भी कंट्रीज हैं, जो भी हैं, उनको अपने में फेवर में लेने के लिए उसने वहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई। यहाँ तक आप सभी को क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्टली 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। इसमें से फुल फॉर्म्स पूछी जाती हैं। अब हम बात करते हैं
डेफिनेशन ऑफ कोल्ड वॉर. डेफिनेशन क्या है कोल्ड वॉर की? द कोल्ड वॉर रेफर टू द कॉम्पिटिशंस ऑफ कॉम्पिटिशन द टेंशन एंड द सीरीज ऑफ कन्फर्मेशंस बिटवीन द यूएस एंड यूएसएसआर बैक बाय देयर रिस्पेक्टिव अलाइज. यानी वो कोल्ड वर्ल्ड वॉर वो हम रेफर करते हैं उस कॉम्पिटिशन से. दोनों में क्या चल रहा था? कॉम्पिटिशन तो चल रहा था भाई, मैं आगे. टेंशन, वो टेंशन चल रही थी, द टेंशन. कॉम्पिटिशन भी थी, टेंशन था. एंड द सीरीज ऑफ कन्फ्रंटेशन. कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है कि अब अपने आप को आगे ले जाने के लिए. बिटवीन द यूएस एंड यूएसएसआर बैक बाय देयर रिस्पेक्टिव अलायंसेस. और यूएस क्या कर रहा था? बार बार अपने अलायंसेस को आगे कर रहा था. वो अलायंसेस के फेवर में, अलायंसेस के उसमें आकर के कि वो एक से एक अलायंसेस को बना रहा था और वो अलायंसेस के पीछे छुपकर ये कोल्ड वर्ल्ड वॉर को कर रहा था. क्योंकि वो दोनों ही जानते थे कि वो फ्रंट से ये लड़ाई नहीं लड़ सकते, क्योंकि वो न्यूक्लियर वेपन्स से या मिलिट्री से वो लड़ाई नहीं लड़ सकते. अगर वो लड़ाई लड़ते हैं तो उसका डिजास्टर बहुत बड़ा होगा, वो इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे. क्योंकि दोनों ही सुपर पावर हैं और दोनों ही इस चीज़, दोनों ही डिटेरेंस भी चाहती हैं, दोनों ही लड़ना नहीं चाहती हैं, लेकिन दोनों में से एक अपने आप को सुपर पावर भी दिखाना चाहता है. यानी कि ये न्यूक्लियर वेपन से, एटॉमिक बॉम्ब से लड़ाई नहीं लड़ करके ये अपने अलायंसिस के थ्रू लड़ाई लड़ना चाहते थे. यानी बैक टू बैक लड़ाई लड़ रहे थे. अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक द कोल्ड वॉर न्यूक्लियर डिटेरेंस. हमने कोल्ड वॉर न्यूक्लियर डिटेरेंस का मतलब होता है, हमें पता है डिटेरेंस का मतलब क्या होता है, निवारण करना यानी रोकना. लॉजिक ऑफ डिटेरेंस की बात करते हैं. न्यूक्लियर डिटेरेंस मतलब सीधी सी बात है, अगर उस समय में हम एटॉमिक बॉम्ब या न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ किया जाता तो शायद आज वर्ल्ड नहीं होता. सेकेंड वर्ल्ड वॉर बहुत ही ज़्यादा डिजास्टर होता, जो ये दोनों ही जानते थे. तो इन दोनों ने एक तरीके से न्यूक्लियर डिटेरेंस में बिलीव रखा, डिटेरेंस को फॉलो किया. और लॉजिक ऑफ डिटेरेंस को समझते हैं हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. ये क्वेश्चन मोस्टली पेपर में आ जाता है. इट मींस दैट बोथ साइड हैव द कैपेसिटी टू रिटेलिएट अगेंस्ट ऑन अटैक एंड टू कॉज सो मच डिस्ट्रक्शन दैट इधर नाइदर कैन अफोर्ड द इंटीमेट वॉर. ये दोनों ही जानते हैं, इट मींस ये दोनों ही जानते हैं कि दोनों के पास कैपेसिटी है एक दूसरे से लड़ने की, दोनों के पास कारण भी है, लड़ने की कैपेसिटी भी है. लेकिन वो दोनों ही ये बात जानते हैं कि वो दोनों ही इस वॉर की जो स्टार्ट है वॉर को अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो डिजास्टर होगा, डिस्ट्रक्शंस होगा, जो इसकी वजह से जितना डिजास्टर हो जाएगा वर्ल्ड में, वो ये दोनों ही जानते हैं कि वो इस दोनों ही इस चीज़ के लिए रेडी नहीं थे. तो इन दोनों ने एक पॉलिसी कहें, एक तरीके से इन दोनों ने एक तरीका कहें कि इन्होंने डिटेरेंस को फॉलो किया. इन्होंने किसी भी तरीके से, क्योंकि वर्ल्ड में बहुत सारी उस समय ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी, इन ऑर्गेनाइजेशनों ने इन पे कंट्रोल रखा, जैसे यूएनओ है, उन्होंने टाइम टू टाइम इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की. और दोनों को न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ करने से, एटॉमिक बम्स को यूज़ करने से रोका. एमर्जेंस ऑफ द टू पावर ब्लॉक्स ईस्ट एंड वेस्ट एंड स्मॉल कंट्रीज. एमर्जेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स हम दोनों ही जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि भाई कभी ना कभी टू पावर ब्लॉक्स का उदय हुआ ही होगा, कभी ना कहीं से तो स्टार्ट थे ही. हमें पता है दो पावर ऑलरेडी आ चुकी हैं वर्ल्ड में, ईस्ट एंड वेस्ट एंड स्मॉल कंट्रीज. ईस्ट और वेस्ट स्मॉल कंट्रीज का हम पहले पढ़ चुके हैं, ईस्टर्न वाले यहाँ बात करते हैं. अगर हम ईस्ट कंट्रीज को बोलते तो नाटो आता है, और वेस्ट कंट्री है, सॉरी हाँ, ईस्ट की बात करते तो वारसा है, और वेस्ट अलायंसेस का बात करते तो ये नाटो है. क्यों पड़ी इन छोटी कंट्रीज को, इनकी ज़रूरत क्यों थी ब्लॉक्स की? ताकि अपनी सिक्योरिटी के लिए, ताकि ये चाहते थे कि ये दूसरी कंट्री इनके ऊपर किसी तरह से अटैक ना, किसी तरह का थ्रिएट ना हो. इनके पास तो लॉजिक था भाई इस इन कंट्रियों के अंदर जाने का, लेकिन बड़ी का पावर्स को इनके अंदर, इनके साथ इनका क्या बेनिफिट था? क्योंकि कोई भी कंट्री अगर बड़ी पावर किसी को सपोर्ट कर रही है, किसी को सिक्योर कर रही है, तो उसे बदले में तो कुछ चाहेगी. तो वो क्या चाहती थी? फर्स्ट ऑफ ऑल बड़ी पावर्स उनसे क्या चाहती थी? यूएस एंड यूएसएसआर अपने अलायंसेस के लिए, अलायंसेस से क्या ले रही थे? उन्हें सिक्योरिटी थ्रिएट से बचाकर अगर दे रहे थे तो उसके बदले में क्या ले रहे थे? विट्रल रिसोर्सेज यानी ऑयल और उनके मिनरल्स ले रहे थे. उनके जितने भी विट्रल रिसोर्सेज थे उनको कैप्चर कर रहे थे. सेकंड, टेरिटरीज फ्रॉम वेयर द सुपर पावर्स कुड लॉन्च देयर वेपन्स एंड ट्रूप्स. उन्होंने उन टेरिटरीज को चुना क्योंकि स्मॉल कंट्रीज को चुना, क्योंकि अगर वो बड़ी कंट्री में, अपनी कंट्री में कुछ भी करेंगे तो यूएनओ ने रोकेगा. तो उन्होंने ऐसी कंट्रीज चूज करी, ऐसे अलायंसेज अपने चूज करे जहाँ पे वो वेपन्स और ट्रूप्स की टुकड़ियों को लॉन्च कर सके, जहाँ वो बना सके, वेपन्स बना सके. थर्ड, लोकेशन फ्रॉम वेयर दे कुड
पे स्पाई ऑन ईच अदर, और जहाँ से वो निगरानी रख सके, क्योंकि अमेरिका चाइना के ऊपर निगरानी रखने के लिए उसे किसकी ज़रूरत होगी, पाकिस्तान की ज़रूरत होगी। इसलिए टाइम टू टाइम जो चाइना अमेरिका है वो किसकी सपोर्ट करता है, पाकिस्तान की हेल्प करता है, ताकि वो एक तरीके से चाइना के ऊपर कंट्रोल रख सके या चाइना पे नज़र रख सके। ऐसे ही अदर पार्ट्स ऑफ कंट्रीज़ में ऐसे बहुत सारे अलायंसेस थे, बनाए गए थे, जो बड़े सुपर पावर के ऊपर नज़र रखने के लिए एज अ स्पाई वो काम करेंगे। वो उनके ऊपर लोकेशन, उनकी लोकेशन से उन पर स्पाई जासूसों की तरह उन पर नज़र रखते थे कि वो लोग अपनी कंट्री में क्या कर रहे हैं या वो आगे क्या करने वाले हैं इकोनॉमिक सपोर्ट्स के लिए। ये तो हमें पता है कि ये जो स्मॉल पावर्स हैं वो इकोनॉमिक सपोर्ट्स के लिए उनके लिए काम कर रहे थे, इसमें तो बिग पावर का कोई सपोर्ट नहीं। और आइडियोलॉजिकल रीज़न के, क्योंकि वो दोनों के दोनों ही कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म को फैलाना चाहते थे, एक्सपेंड करना चाहते थे, स्प्रेड करना चाहते थे, और वो दोनों ही अपने आइडियोलॉजी में स्ट्रांगली बिलीव करते थे। तो एक आइडियोलॉजिकल भी रीज़न था कि वो स्मॉल कंट्रीज़ की हेल्प कर रहे थे। तो आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। अगली वीडियो में, आज की वीडियो में हमने हाफ एंड चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आधे पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 4 मार्क्स में क्वेश्चन ज़्यादा है, ठीक है। आप इसके नोट्स बना लें और इसे अच्छे से एक बार रीड कर लें।